किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि जिससे गंगा नदी की प्राकृतिक अविरलता को और नदी के अधिकार को किसी तरह का नुकसान हो उस पर रोक लगाई जाए। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जल संसाधन श्री रामायण प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रामायण जी, क्या निर्देश है न्यायालय के एनजीटी के? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। पर्यावरण का प्रकोप हम सबके सामने है और आप देख रहे हैं कि किसी इलाके में तो बाढ़ आ रही है और किसी इलाके में सूखा पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें जो है पर्यावरण के प्रति और भी सजग होना होगा और तो विकास का जो मॉडल हम लोग अपनाए हुए हैं, हमें इसमें ऐसा विकास करना होगा जो सस्टेनेबल, जिसे कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा विकास जो आगे भी कर सकें। यानी आज हमें अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। उसके लिए माननीय एनजीटी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि नदी के किनारे उसका जो फ्लड प्लेन एरिया है उसको चिन्हित किया जाए और उसमें जो है निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये इसके लिए जो विभाग जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है और सिंचाई विभाग जो है मुख्यमंत्री गंगा जो इसके क्षेत्रीय नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसको कार्यान्वित करने की तरफ जो है प्रयास। जिन लोगों ने शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे मकान बना लिए हैं, कंस्ट्रक्शन तमाम तरह के कर लिए हैं, तो क्या उन्हें तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा? नहीं, ये थोड़ा सा जटिल विषय है क्योंकि पहले चरण में आपको लोगों को जागरूक करना है कि लोग इस बात को समझें कि नदी का जिस क्षेत्र में नदी जहाँ तक उसका पानी भरता है वो नदी का इलाका है। लोग इस बात को समझें और लंबे समय से लोग नदियों किनारे रहते रहे हैं लेकिन उनके रहने से नदी के लिए कोई समस्या नहीं होती थी क्योंकि वो जानते थे कि वो अस्थायी रूप से हैं, वो नदी के इलाके में रह रहे हैं और उसी इलाके में जब नदी चली जाती थी तो उनको अच्छी उपज भी मिलती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है जहाँ हम पक्के मकान बना रहे हैं, पक्के निर्माण कर रहे हैं, अस्थायी निर्माण कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो ज़रूरत इस बात की है पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जाए और आगे चल करके जैसे स्थिति बनेगी वैसे फिर देखा जाएगा। तो लोगों को ये समझना होगा कि माँ गंगा, जिसे वो माँ कहते हैं, मोक्षदायिनी कहते हैं, उसके अधिकारों की फिक्र उन्हें करनी होगी, उसकी प्राकृतिक अविरलता की फिक्र करनी होगी। और एनजीटी ने, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक गंभीर आदेश जारी किया है, गंगा के तटों पर जो भी लोग कब्जे कर रहे हैं उन्हें वहाँ से हटना होगा, उन कब्जों को छोड़ना होगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश का सिंचाई विभाग भी इसके लिए गंभीर हो गया है। लखनऊ से ईटीवी न्यूज़ के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।